आज हम आर्डिनो के थ्रू एलईडी को ब्लिंक करना सीखेंगे, जो कि इसका डायग्राम ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह से हम आर्डिनो से एलईडी कनेक्ट करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी उसको हम फुलफिल करेंगे। तो एलईडी ब्लिंक करने के लिए हमें एक आर्डिनो की ज़रूरत है। फिर आर्डिनो को प्रोग्रामिंग के लिए हमें लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए हमें केबल की ज़रूरत है और हमें कुछ एलईडी चाहिए ब्लिंक करने के लिए। हम जो एलईडी है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आर्डिनो की पिन पे, जो उसकी डिजिटल पिन है उस पे, और पिन नंबर 13 और ग्राउंड, हम उस पे डायरेक्ट एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम केबल कनेक्ट करके उसको लैपटॉप में प्रोग्राम कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट आर्डिनो पे ना कनेक्ट करके ब्रेडबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो हमें आर्डिनो तो चाहिए ही, केबल चाहिए उससे लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए, एलईडीज भी चाहिए हमें और ब्रेडबोर्ड चाहिए। इस बार हम आर्डिनो पे ना कनेक्ट करके एलईडीज को अपने ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे और उसके लिए हमें कुछ जम्पर वायर भी चाहिए। तो आइए कनेक्ट करते हैं। इसमें हमें कनेक्ट क्या करना है कि जो पिन नंबर 13 है वो हमारी एलईडी की पॉजिटिव पिन पे कनेक्ट होगी और जो ग्राउंड है वो एलईडी की ग्राउंड पिन पे कनेक्ट होगी। तो कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। ग्रीन वाली जो वायर है हमारी वो ग्राउंड पिन है, ग्राउंड वायर है, ग्राउंड पिन में कनेक्ट होगी, और ये जो रेड कलर की वायर है वो पिन नंबर 13 से एलईडी के पॉजिटिव पिन पे कनेक्ट होगी। हमारे पास 3 एलईडी है। तो वैसे तो अगर आप एक एलईडी यूज़ करेंगे तो आपको एक रजिस्टर भी चाहिए 1K का, लेकिन हम तीनों एलईडी को एक ही पिन पे कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम बिना रजिस्टर्ड के भी एलईडी को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट इसका, कि आपको सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरफेस कराना है आर्डिनो को। आर्डिनो आईडी डाउनलोड करने के लिए आपको arduino.cc वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से आपको डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करना है। आप डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा विंडोज़ के लिए। आप जो भी चाहें वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इंस्टॉलर या जिप फाइल, हमने जिप फाइल को यूज किया हुआ है। आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जिप फाइल डाउनलोड होने लगेगी। उसके बाद आप जहाँ उसको डाउनलोड किए हैं वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइल को ओपन करेंगे, देखेंगे आपका पूरा आर्डिनो डाउनलोड हो चुका है। और फिर हम इस फोल्डर को कट कर लेंगे, इसको कट करके हम सी ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने टास्क बार पे और स्टार्ट मेनू पे, जिससे आपको आसानी होगी, या आप डेस्कटॉप पे भी इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आर्डिनो आईडी को हम ओपन करेंगे। ये कुछ फायरवॉल्स की सेटिंग है विंडोज़ की, जिसको आप अलाउ एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे आर्डिनो के पोर्ट्स को। देखिए पोर्ट्स में भी कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें आर्डिनो भी कनेक्ट नहीं किया है। अब हम आर्डिनो को अपना कनेक्ट करेंगे।
देखिए अभी क्या लिख रहा है, ड्राइवर नॉट फाउंड, क्योंकि हमें अभी कंप्यूटर को पता नहीं है कि जो हमारा हार्डवेयर है वो आर्डिनो उनो है, इसलिए हमें उसको एक ड्राइवर भी इंस्टॉल करना होगा जिससे कि वो हमारे हार्डवेयर को आइडेंटिफाई कर पाए। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर पे, माई कंप्यूटर पे सेलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक करना है और मैनेज ऑप्शन खोलना है। ये देखिए मैनेज ऑप्शन है, आप इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। डिवाइस मैनेजर में आपकी सारी डिवाइसेस दिखाएंगी। ये देखिए अननोन डिवाइस हमारा दिखा रहा है, इस पर हम लेफ्ट क्लिक करके इसका जो ड्राइवर है वो अपडेट करेंगे। तो ड्राइवर अपडेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम ब्राउज करेंगे इस ड्राइवर को सीधे उस जगह पे जहाँ पे हमने आर्डिनो की फाइल को स्टोर किया हुआ है सी ड्राइव में। देखिए ब्राउज करेंगे इसको, हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे और अपना लोकल डिस्क सी सर्च करेंगे हम इसमें। तो कंप्यूटर पे देखिए, कंप्यूटर पे सेलेक्ट करेंगे और ये सी आ गया हमारा। सी पे क्लिक करेंगे और जो आर्डिनो का फोल्डर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, अब ये ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेगा। अभी एरर दिखाएगा इसमें एक, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इंस्टॉल हो चुका है। अब आर्डिनो आईडी खोलेंगे अब अपना, तो वहाँ पे हमारा आर्डिनो कनेक्ट दिखा गया। ये देखिए आर्डिनो उनो पोर्ट्स हमारा कनेक्ट दिखा रहा है, ये उनो है। अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे एलईडी की, तो इसमें हम डिफाइन करते हैं सेटअप में, सेटअप केवल एक ही बार रन होता है। सेटअप में हम पिन मोड डिफाइन करेंगे। पिन मोड मतलब जो हमारी आर्डिनो की पिन है वो किस तरह से बिहेव करेगी, एज ए इनपुट या एज आउटपुट। तो हम इसको डिफाइन कर लिए हैं पिन मोड 13, पिन नंबर हमारी 13 है, वो आउटपुट एज ए बिहेव करेगी। अब हम आउटपुट तो उसको शो कर लिए, अब हमारी वो आउटपुट पे करेगी क्या, तो हम लिए लूप में आ जाएंगे, लूप सेक्शन में, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमारे जो पिन नंबर 13 है वो डिजिटल राइट करेगी, पिन नंबर 13 पे वो हाई हाई या लो। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पिन नंबर 13 है वो या तो 0 वोल्ट देगी या तो 5 वोल्ट देगी। डिजिटल राइट में ये होता है, डिजिटल में आप 0 या 1 करते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है, हाई या लो या 0 या 1। तो हमने लिख दिया पिन नंबर 13 हाई, अब उसको कितने देर तक हाई रखना है, हमने उसके लिए डिले भी प्रोवाइड करा दिया, उतने डिले तक हाई रहेगी। उसके बाद फिर हमने लो का प्रोग्राम लिख दिया है, फिर कितने देर तक लो रहेगी उसका भी प्रोग्राम हमने लिख दिया। उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम आर्डिनो पे चेक करेंगे तो देखेंगे कि हमारे आर्डिनो पे एलईडी, ये देखिए आर्डिनो पे प्रोग्राम अभी अपलोड हो रहा है। अब देखिए एलईडी ब्लिंक कर रही है हमारी। अभी हमने तीनों एलईडी एक साथ कनेक्ट कर रखी है, इसलिए हमारी तीनों एलईडी एक साथ ब्लिंक हो रही है। अब हम इसको अलग अलग कनेक्ट करेंगे, जिसका डायग्राम इस तरह है। इस डायग्राम में हम पिन नंबर 12 और पिन नंबर 11 भी यूज करेंगे सेपरेट एलईडी के लिए। तो आइए देख लेते हैं इसका कनेक्शन कैसे होता है। इसके लिए हमें चाहिए दो एक्स्ट्रा जम्पर वायर, जो कि हमारे पिन नंबर 11 और पिन नंबर 12 पे कनेक्ट होंगे। ग्राउंड हमारा कॉमन ही रहेगा तीनों एलईडीज के लिए, उसको हमारे ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड रेल पे कनेक्ट कर देंगे, वहाँ से हम कॉमन ग्राउंड उठा लेंगे। ये देखिए पिन नंबर 13 कनेक्ट हो गया, पिन नंबर 12 भी कनेक्ट हो गया और ये पिन नंबर 11। और ग्राउंड को हम कॉमन रेल पे दे देंगे, वहाँ से सभी को एक साथ कॉमन कर देंगे। एलईडी कनेक्ट करते समय यह याद रखिए कि पॉजिटिव वाला पिन हमेशा पॉजिटिव पे कनेक्ट हो और नेगेटिव वाला नेगेटिव पे कनेक्ट हो।
आखिरी एलईडी भी हम कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पार्ट पे आएंगे जहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे तीनों एलईडीज के लिए। अब ये देखिए हमारे ये एक एलईडी के लिए प्रोग्राम है। अब हमें करना कुछ नहीं है, इसमें हमें केवल पिन बढ़ानी है। तो हम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करेंगे और पिन नंबर जो जो हमने नई अटैच की हुई है उसको डिफाइन कर देंगे। तो ये हमने पिन मोड आउटपुट वाला 13 के लिए जो लिखे थे वो कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे क्योंकि हमें दो पिन बढ़ाई है तो दो पेस्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे पिन नंबर 13 है उसको हम 12 कर लेंगे और ये पिन नंबर 11 कर लेंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इसको ऑन ऑफ वाला प्रोग्राम लिखेंगे, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो हाई लिखा है वो पिन नंबर 12 के लिए हाई लिखा है, फिर ये जो लो है पिन नंबर 12 के लिए लो है। फिर एक और कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पिन नंबर 11 के लिए हाई लिखेंगे और फिर पिन नंबर 11 के लिए लो लिखेंगे। यदि आपको यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे तो आप कॉमा दे के या फिर कमेंट दे सकते हैं। कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वाला प्रोग्राम पिन नंबर 1 के लिए है, देखिए फॉर फर्स्ट एलईडी, या पिन नंबर 13 आपको जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं। ये लिख लीजिए फॉर सेकेंड एलईडी और फिर हाई लो के बाद लास्ट वाले के लिख लीजिए फॉर थर्ड एलईडी। उसके बाद आप इसको अपलोड कर देंगे, सेव करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि तीनों एलईडी बारी बारी से ब्लिंक करेंगी। ये देखिए तीनों एलईडी हमारी ब्लिंक कर रही हैं। आप चाहें तो इसकी टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप टाइमिंग चेंज करेंगे तो हमारी एलईडी की जो ब्लिंकिंग है वो फास्ट हो जाएगी। ये 1 सेकेंड का था यानी 100 का, ये 100 पे हमारी ब्लिंक कर रही है, 100 मिली सेकेंड। अब हम इसको 50 कर देंगे तो ये और तेज़ ब्लिंक करने लगेंगी। तो इस तरह से आपने आर्डिनो के थ्रू एक एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है।